तो हम लोग CM1 पढ़ेंगे। बेसिकली एक्सेल अभी जो हम लोग 5-6 बेसिक क्लासेस करेंगे दैट इज़ मेंट फॉर CM2 एंड CM1 बोथ। जिनका CM2 में एक्सेल नहीं किया हुआ पहले, CM1 नहीं किया हुआ, तो वो भी ये कर सकते हैं एक्सेल का। स्टार्टिंग एकदम बेसिक सीखेंगे बिकॉज सबके स्कूल में एक्सेल नहीं कराया जाते। सो वी लर्न एकदम बेसिक से 5-6 क्लासेस वील गिव आराम से एंड देन वील स्टार्ट विथ वॉट इज़ द सिलेबस CM1 का। ठीक है, तो CM1 का पेपर का नाम किसी को पता है तो क्या? अरे वो तो CM का फुल फॉर्म हो गया। पेपर का नाम क्या है? एक्चुरियल मैथमेटिक्स। सो बेसिकली क्या होगा कि हम लोग एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन ले लो कि CM1 पेपर में क्या क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब वन ऑफ द इंटरेस्टिंग पेपर्स होते हैं CM1 एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वाई वेरी इंपॉर्टेंट? फ्रॉम द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज वेन यू गो फॉर इंटरव्यूज इन लाइफ इंश्योरेंस में भी, मोस्टली लाइफ इंश्योरेंस में तो पूछेंगे ही पूछेंगे CM1 से रिलेटेड, बिकॉज CM1 पेपर में हम पूरा एक इंश्योरेंस कंपनी कैसे प्रीमियम कैलकुलेट करता है वो पूरा सीखते हैं। ठीक है, तो अगर तुम लोग कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाओगे एंड तुम लोग बोलोगे कि यू हैव डन एक्चुरियल साइंस, तो CM1 इज़ द पेपर जहाँ से उन लोग क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछेंगे। तो अभी CM1 से इज़ द फर्स्ट पेपर जो सब लोग स्टार्ट करते हो करना। ठीक है, तो क्या होता है कि ग्रेजुअली जब थर्ड ईयर तक जाते हैं हम लोग, तब तक हम लोग भूल जाते हैं CM1 का कॉन्सेप्ट, बट उस समय वापस से कॉपी खोल के रिवाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग के इंटरव्यू क्वेश्चंस में CM1 सबसे पहले पूछेगा। उस समय ये नहीं सोच सकते या बोल सकते कि ओके आई हैव क्लियर द पेपर बट मुझे याद ही नहीं है कॉन्सेप्ट्स ऐसे। वो ना ही जो इंटरव्यू ले रहे तुम्हारा वो भी ऑब्वियसली तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी ऑलरेडी तुम लोग को यू विल हैव टू बी बेस्ट, तो इसीलिए CM1 इतने अच्छे से पढ़ो कि उस समय जब तुम लोग एक बार कॉपी खोलोगे तो बस तुम लोग को सब याद आ जाएगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको अप्लाई करना इज़ ईजी। ठीक है, तो CM1 में थ्योरी पेपर होगा एंड एक्सेल पेपर होगा। थ्योरी विल बी 100 मार्क्स पूरा रिटन, यू विल गेट 3 आवर्स 15 मिनट्स जो तुम लोग को सेंटर पर जाके देना है। अगर इंडिया से दे रहे हो तो भी सेंटर पर, UK से दे रहे हो तो भी सेंटर पर। ठीक है, और एक्सेल का एग्ज़ाम अगर तुम लोग IFOA से दे रहे हो, UK से दे रहे हो, तो घर पे होता है 1 आवर 45 मिनट्स का टेस्ट। घर पे अकेले लैपटॉप लेके बैठना है एंड एग्ज़ाम देना है। ठीक है, 1 आवर 45 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है, वो भी 100 मार्क्स का होता है। एंड अगर तुम लोग इंडिया से दे रहे हो तब इट इज़ सेंटर बेस्ड एग्ज़ाम, सेंटर पर जाके देना पड़ेगा। 100 मार्क्स एग्ज़ाम, 1 आवर 45 मिनट्स। ओके, बस ये डिफरेंस है कि UK में घर से देना है एंड इंडिया से सेंटर पे जाके देना है, दिस इज़ द डिफरेंस। अब जब उन लोग कैलकुलेशन करते हैं तो UK वाला ने पूरा अच्छे से बता दिया है कि हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी पेपर को स्केल डाउन करते हैं 70 में और प्रैक्टिकल पेपर को स्केल डाउन करते हैं 30 में। टोटल कितना आया? 70 प्लस 30 100। उसमें अगर तुम लोग पास हो रहे हो, जनरली 60 इज़ द पासिंग मार्क्स उन लोग रखते हैं, रेंज करते हैं 78 58 टू 62, पर 60 इज़ अ जनरली पासिंग मार्क्स। तो इतना अगर तुम लोग का आता है तो तुम लोग क्लियर करते हो। इंडिया से क्या है, इंडिया से भी 70-30 का रेशियो है, बट देन थोड़ा अभी तक उन लोगों एक तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं आए कि दोनों पेपर का डिफरेंट डिफरेंट पासिंग है कि नहीं। जैसे UK में ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर थ्योरी में इतना चाहिए एंड प्रैक्टिकल में इतना चाहिए, कंबाइन 70-30% उन लोग वेटेज देंगे एंड कंबाइन फिर 100 मार्क्स में जितना तुम लोग का आ रहा है वो देखेंगे। इंडिया में जहाँ तक है अभी तक यही सेम चीज़ फॉलो हो रहा है, 70-30 वाला रेशियो। एंड अलग से जो पासिंग मार्क्स है वो इंडिया कभी नहीं बताते, उसको भी हम लोग अज्यूम करके चलते कि उन लोग 60 रखते हैं। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर। अब CM1 में तुम लोग और क्या क्या पढ़ोगे? CM1 इज़ कंप्राइजिंग ऑफ CT1 एंड CT5। तो CT1 में क्या क्या है बेसिक, एकदम स्टार्टिंग से जो बहुत सारा नोटेशंस है एनुइटीज़ का, शॉर्ट्स एनुइटीज़ का ही है CT1 में, तो वो तुम लोग पढ़ोगे। उसके बाद हाउ टू कैलकुलेट द लोन शेड्यूल। लोन शेड्यूल क्या होता है? सपोज़ मैंने लोन लिया बैंक से 1 लाख का, ठीक है, तो अब वो 1 लाख मैं कैसे पे करूँगी? इफ़ आई एम पेइंग क्वार्टरली, मंथली, एनुअली, कैसे पे कर रही हूँ, उसके साथ मैं कितना इंटरेस्ट पे कर रही हूँ, कितने साल तक पे करना है, वो सारा का हम लोग शेड्यूल बनाते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट अप्रेजल। आई हैव 5-6 प्रोजेक्ट्स, उसमें से सबसे बेस्ट सूटेड प्रोजेक्ट कौन सा है वो मुझे सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करने के लिए देयर आर 5-6 क्राइटेरियाज, वो हम लोग सीखते हैं। ठीक है, दीज आर द 2 मेजर टॉपिक्स इन CT1। उसके बाद बॉन्ड्स एंड इक्विटीज़ भी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। फिर हम लोग आते हैं CT5 में।
CT5 इज़ द कोर पेपर, जहाँ से तुम लोग से जहाँ जो जिस पेपर से तुम लोग से पूछा जाएगा इन इंटरव्यूज़। बिकॉज CT5 में हम लोग क्या कवर करते हैं, एक इंश्योरेंस कंपनी अपना प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो प्रीमियम जब वो कैलकुलेट करेगा तो वो सब कुछ इन कंसिडरेशन लेगा। क्या क्या ले सकते हैं, कुछ कुछ सोच के बताओ, क्या क्या कंसिडरेशन में ले सकते हैं बताओ स्नेहा। हाँ, उस पर्सन का मोर्टैलिटी, तुम लोग सब करोगे ये सब, उस पर्सन का मोर्टैलिटी एज इन उसका प्रोबेबिलिटी मरने का, वो कंसिडर करना पड़ेगा, है ना। अभी एक जन ने इंश्योरेंस लिया, रास्ते में जाते जाते एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, उसके मरने का क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट विल डिपेंड ऑन योर एज ऑल्सो, तो वो सारा चीज़ कंसिडर करना पड़ेगा। और बताओ क्या हो सकता है, सोचो। हाँ हाँ ठीक है, ये सारा फैक्टर्स इसमें आ गया, ये पूरा वो हम लोग अलग अलग करेंगे, पूरा ब्रॉड ये हो गया कि मोर्टैलिटी बेसिकली, ठीक है, मरने का क्या प्रोबेबिलिटी। और क्या होता है, कंपनी का क्या हो सकता है, एक्सपेंसेस होते हैं, है ना, एक्सपेंसेस क्या हो गया, पॉलिसी बेचने का एक्सपेंस, ठीक है। अब एवरी हर टाइम रिन्यूअल करा रहे कि नहीं, एट द एंड ऑफ द ईयर उसका एक्सपेंस लगता है, रिन्यूअल एक्सपेंसेस, कमीशन्स होते हैं, तो दीज आर द वेरियस एक्सपेंसेस, उसको भी कंपनी को कंसिडर करना पड़ेगा। कंपनी को क्या मिल रहा है, पॉलिसी होल्डर से प्रीमियम्स मिल रहे हैं, ठीक है। अभी हर घर में सबके पास पॉलिसी होता है जनरली, ठीक है, मिडिल क्लास जनरली। हाँ, धीरे धीरे इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स मोर कि अभी और ज़्यादा इन डेप्थ जा रहा है, बिकॉज इंश्योरेंस अभी हर जगह हर चीज़ में, एक फ़ोन से लेके फ्लाइट टिकट से लेके मूवी टिकट से लेके हर जगह पे यू विल फाइंड इंश्योरेंस, ठीक है। तो तुम वो इंश्योरेंस कंपनी कैसे प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं ताकि फ्यूचर में लॉस नहीं हो, वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारा चीज़ है, प्रॉफिट टेस्टिंग यूनिट लिंक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, वो सारा चीज़ हम लोग करेंगे CT5। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अभी थोड़ा अगर तुम लोग को सुनने में ओवरवेलमिंग लग रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज बहुत मज़ा आएगा जब तुम लोग करोगे। थोड़ा लेंदी है पेपर, इसीलिए अभी से हम लोग अगर स्टार्ट करें तो आराम से वील फिनिश ऑफ बाय जनवरी एंड, यू हैव फेब मार्च 2 मंथ्स रिवाइज करने के लिए आराम से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सेल से, हम लोग स्टार्ट करें एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। किन्होंने एक्सेल किया है पहले, हाथ उठाओ, मतलब कुछ भी, अगर एक्सेल खोला भी है तो वो ऐसे कि खोला है और 6+2 किया है, खोला तो है ही सबने मोस्टली, ऐसा नहीं है, बिकॉज स्कूल में जनरली एक्सेल नहीं कराया जाता, उन लोगों को कराना चाहिए, कॉलेजेस में कराते हैं, BCom, इको ऑनर्स सब में कराते हैं आजकल, कॉलेजेस में कराते हैं। तो एक्सेल ऐसा चीज़ है जो एक छोटा से छोटा कंपनी से बड़ा कंपनी सब यूज़ करते हैं। एक्सेल इज़ अ सॉफ्टवेयर, MS ऑफिस में होता है, एक्सेल इज़ अ सॉफ्टवेयर जो हर एक कंपनी, कंपनी छोड़ो हाउस होल्ड में भी यूज़ कर सकते हो एक्सेल। मम्मी लोग क्या करती है, कैसे मैनेज करती है, उन लोग लिखती है ना कि ईच मंथ हमने इतना ग्रोसरीज ऑर्डर किया, ये मेरा एक्सपेंसेस था, ये मेरा, तो वो जो लिखती है, वो जो बनाती है, वो शी कैन डू इट इन एक्सेल ऑल्सो इन एन एफिशियंट वे। तो एक्सेल ऐसा चीज़ है जो छोटा से छोटा एकदम छोटा कंपनी, या फिर तुम लोग यहाँ पे जो शॉप्स देखते हो, कोई भी वहाँ से ले उससे लेके एक बड़ा से बड़ा कंपनी भी एक्सेल यूज़ करता है, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी वेरी वाइडली यूज्ड सॉफ्टवेयर। पहले जब एक्सेल नहीं था तो लोग कैसे रिकॉर्ड करते थे, जो अकाउंटेंट्स थे उन लोग कैसे रिकॉर्ड करते थे, बड़ा बड़ा उन लोग स्प्रेडशीट्स लेते थे बचपन में, हम लोग किए हो गए मैथ्स में, ऐसे ग्रिड वाला एक कॉपी आता था उसमें हम लोग 1 2 6 सीखते थे। सो ऐसा ही एक स्प्रेडशीट होता था जिसमें अकाउंटेंट्स अपना वर्क को करते थे। पर अभी जब से एक्सेल आया, ऑब्वियसली इट हैज़ मेड वर्क वेरी इजी, मतलब तुम लोग एक्सेल इज़ सो ह्यूज सो वास्ट, हर एक चीज़ कर सकते हो तुम लोग एक्सेल में, ठीक है। तो वॉट इज़ इट इज़ अ कंप्यूटराइज वर्जन ऑफ द ओरिजिनल पेपर और द स्प्रेडशीट्स, जो अकाउंटेंट्स या फिर तुम लोग बोल सकते हो एक्चुअरीज, बिजनेस, हॉस्पिटल, सब जगह जो उन लोग पेपर पहले यूज़ करते थे, अभी हम लोग का क्या आ गया, वही सेम एक्सेल में हम लोग सेम चीज़ कर सकते हैं। अब सब लोग मेरे से पूछते हैं, अभी तो तुम लोग नॉर्मली करोगे आराम से मेरे साथ क्लास में करोगे, एग्जाम के पहले सब लोग मेरे से पूछते हैं कि हम लोग अपने कैसे, हम लोग क्या करना है, हम लोग कितना डेकोरेट करना है, कहाँ पे कलर करना है, ये सब कुछ नहीं करना है एक्सेल में,
उन लोग सिर्फ देखेंगे तुमने कितने अच्छे से अपना वर्क किया है। अच्छे से का मतलब है कि कितना तुम लोग ने अच्छे से समझा के किया। हम लोग अभी धीरे धीरे सीखेंगे, कॉलम्स होते हैं, हम लोग कॉलम्स बनाते हैं, तो वो तुम लोग ने कैसे बनाए हैं, कितना कलर्स डाला है, वो उन लोग नहीं देखते। तो प्लीज़ वो सब अवॉइड करना, कलरफुल बनाना। अगर अपने टेबल को पिंक कर दिया, ग्रीन कर दिया, वो सब प्लीज़ अवॉइड करना, बिकॉज़ ना ही तुम लोग को अच्छा लगेगा, ना ही एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो वो सब प्लीज़ अवॉइड करना, एंड उसके लिए कोई मार्क्स नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते एकदम बेसिक से। एक एक्सेल का हम लोग शीट खोलते हैं एंड समझते हैं कैसा दिखता है। सब लोग ओपन करो एक्सेल शीट, एक ओपन करो। इसको हम लोग बोलते हैं वर्कबुक। ये पूरा मेरा एक वर्कबुक है। ठीक है, तो ये मेरा जो वर्कबुक है, अगर किसी का ऐसा नहीं खुल रहा और यहाँ पे ब्लैंक खुल रहा है, ग्रिड्स नहीं खुल रहा, तो न्यू वर्कबुक खोलने के लिए, अच्छा मेरे पास 2010 है एक्सेल का वर्जन, प्लीज़ 2007 मत यूज़ करना। एग्ज़ाम में 2010 या उसके आगे का वर्जन ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी के पास 2007 है, ट्राई करो, अभी कर सकते हो यूज़, पर ट्राई करना कि एग्ज़ाम तक वो, एग्ज़ाम में वो नहीं यूज़ करना है। ठीक है, 2010 या फिर उसके आगे का वर्जन। इफ़ यू आर यूजिंग 2016 और 13 अबव, उसके फीचर्स थोड़े अलग होंगे जो मैं कराऊंगी यहाँ से। ठीक है, हम लोग एक दो क्लास उसमें भी सीखेंगे, बिकॉज़ काफ़ी जनों के पास यहाँ पे है आगे के वर्जन से, तो उसके जो ग्राफ के फीचर्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो वो भी हम लोग उसमें सीखेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, ईजी होता है। तो ये मेरा एक पूरा एक्सेल शीट ऐसा दिखता है, एक्सेल वर्कबुक बोलते हैं इसको हम लोग। अब यहाँ पे अगर किसी का नहीं खुल रहा है, यहाँ पे ब्लैंक खुल रहा है, तो कंट्रोल प्लस एन, दिस इज़ द शॉर्टकट फॉर ओपनिंग अ न्यू वर्कशीट। कंट्रोल प्लस एन करो, यहाँ पे भी अगर तुम लोग कंट्रोल प्लस एन करोगे तो एक न्यू, ऑलरेडी न्यू वर्कबुक है मेरा, एक और नया वर्कबुक यहाँ पे खुल जाएगा। देखो, एक और मेरा वर्कबुक खुल जाएगा, कंट्रोल प्लस एन। या फिर क्या कर सकते हो, फाइल एंड यहाँ पे न्यू, ठीक है, टू ओपन अ न्यू वर्कबुक। सिंपल ये चीज। अब देखो, देर आर फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज इन योर वर्कबुक। बेसिकली इफ दिस इज अ वर्कबुक, यहाँ पे दिख रहे शीट वन, शीट टू, शीट थ्री, सबका बाय डिफॉल्ट तीन शीट ओपन हुआ होगा। सो दीज आर द डिफरेंट शीट्स जहाँ पे हम लोग वर्क, एक कॉपी होते हैं, कॉपी के अंदर शीट्स होते हैं ना, तो ये मेरा एक वर्कबुक हो गया एंड उसके अंदर मेरे डिफरेंट शीट्स हो गए। हम लोग ऑब्वियसली एक से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा शीट्स और इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्लस साइन दिख रहा है, उससे हम लोग अपने शीट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, अब देखो, फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज इन ऑन इन एन एक्सेल क्या क्या होते हैं। ये सबसे जो ऊपर सबको दिख रहा है, इफ़ यू आर यूजिंग 2007, थोड़ा डिफरेंट होगा। क्या हुआ, उसको ओके कर दो एक बार के लिए, चलेगा वो? तो मतलब तुम्हारा पायरेटेड वर्जन या ऐसा कुछ डाला हुआ है, प्रोडक्ट की एक्टिवेटेड नहीं है। ठीक है, वो हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे ये सबको दिख रहा है क्या, ये छोटा सा बैक रीडू अंडू का ऑप्शन, दिस इज़ द क्विक एक्सेस टूल बार। इसको हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं, मतलब कि यहाँ पे हम लोग और भी फीचर्स एड इन कर सकते हैं। सपोज हम लोग को सबसे ज़्यादा फीचर्स जो काम आते हैं मेरे एक्सेल में, मेरे यूज़ के अकॉर्डिंग, आई कैन ऐड दोज फीचर यहाँ पे। और क्या क्या हो सकता है, ये हो गया, ये हो गया सेव का ऑप्शन, ठीक है, ये हो गया रीडू अंडू हो गया, और भी सपोज और भी ऑप्शंस हम लोग ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है, तो दीज आर द डिफरेंट ऑप्शंस विच आई कैन ऐड। एक ओपन का हो गया, न्यू का हो गया, सो दीज आर द डिफरेंट ऑप्शंस। अगर ये ड्रॉप डाउन नहीं दिख रहा है किसी को, तो यहाँ पे फाइल में जाना, फाइल में जाना, ऑप्शंस, ऑप्शंस में जाके क्विक एक्सेस टूल बार, या फिर ऑप्शंस नहीं तो एक्सेल ऑप्शंस होगा, फाइल, एक्सेल ऑप्शंस, क्विक एक्सेस टूल बार। ये यहाँ पे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का विंडो ओपन हो गया। तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, अगर सपोज मेरे को यहाँ से और भी फीचर्स अपने क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस पर क्लिक किया, ऐड किया, एंड ये मेरे क्विक एक्सेस टूल बार में आ जाएगा। अभी के लिए इसको हटा देते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है मुझे अभी।
सो दिस इज़ हाउ वी फॉर्मेट द क्विक एक्सेस टूल बार. ठीक है, तुम लोग को विथ यूज़ पता चल जाएगा कि ये सारे फीचर्स जो मुझे ज़्यादा ज़्यादा यूज़ में आएंगे, यू कैन कीप दैट योर. ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट एलिमेंट. सेकेंड एलिमेंट इज़ द रिबन. दिस इज़ द रिबन. होम टैब, इंसर्ट टैब, देर आर सेवन मेजर टैब्स. होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यू. दीज आर द सेवन मेजर टैब्स इन अ रिबन. तुम लोग अगर MS वर्ड भी यूज़ कियो तो उसमें भी ये तुम लोग को रिबन्स मिलेंगे. ठीक है, हर एक रिबन का अपना अपना यूज़ है. होम टैब में यू विल फाइंड ऑल द एडिटिंग ऑप्शंस. ठीक है, हम लोग अपने फॉन्ट को कैसे एडिट कर सकते हैं, हम लोग कैसे अपने वर्क को अलाइन कर सकते हैं, धीरे धीरे सब यूज़ में हम लोग लाएंगे. ठीक है, हाउ टू चेंज द फॉर्मेट, नंबर, करेंसी, परसेंटेज, वो सारा कुछ यहाँ पे है फीचर्स. ठीक है, उसके बाद हम लोग कैसे अपने वर्क को एडिट कर सकते हैं, सारा होम टैब में मिलेगा. ठीक है, सारा होम टैब में मिलेगा. इंसर्ट में क्या आ जाएगा बोलो, पिक्चर्स इंसर्ट करना, ग्राफ्स इंसर्ट करना. ठीक है, ये सारा मुझे हाइपरलिंक, टेक्स्ट बॉक्स, ये सारा मुझे मिलेगा. पिवट टेबल, सारा मुझे इंसर्ट टैब में मिलेगा. हम लोग सब इसमें सीखेंगे. पिवट टेबल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तुम लोग के CM1 में और CM2 में भी पिवट टेबल का एकदम यूज़ नहीं है, बट देन बेसिक्स क्लास में हम लोग सीखेंगे, बिकॉज पिवट टेबल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. इट इज़ वेरी ह्यूज, वेरी वास्ट, पर ऑब्वियसली वी लर्न ओनली द बेसिक्स, ताकि तुम लोग को बाद में इफ़ यू गो फॉर इंटरव्यू वहाँ पे काम आए. ठीक है, पेज लेआउट में क्या हो गया, हाँ तुम लोग कैसे अपने पेज को चेंज, हम लोग ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं अपने पेज का, अभी के लिए नहीं करते, ऐसे ही रहने देते हैं. ठीक है, तो ये सारा चीज़ पेज लेआउट में आ जाएगा. थीम चेंज कर सकते हो, ये सब प्लीज़ मत करना एग्ज़ाम में, इतना कलरफुल नहीं चाहिए किसी को, एकदम प्लेन चाहिए. बहुत जन होते हैं जिन लोग ग्राफ्स को एकदम ही कलरफुल बना देते हैं, प्लीज़ वैसा चीज़ मत करना. ठीक है, फॉर्मूला टैब में दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैब. क्यों? बिकॉज एक्सेल इज़ ऑल अबाउट फॉर्मूलाज, ऑल अबाउट कैलकुलेशंस. क्यों एक्सेल करते हैं? कैलकुलेशंस के लिए ही, टू मेक आर लाइफ ईजी. ठीक है, हम लोग धीरे धीरे जब करेंगे एक्सेल, तुम लोगों को खुद को फील होगा कि एक्सेल कितना हेल्पफुल है और तुम लोग इसको हर जगह यूज़ कर सकते हो. ठीक है, डेटा टैब वेरी इंपॉर्टेंट टैब अगेन. यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कैसे अपने डेटा को एनालाइज करते हैं. टूल्स उसके लिए यहाँ पे है. वॉट इफ एनालिसिस सबसे ज़्यादा यूज़ आएगा हमारे, कंसोलिडेशन, ये सारा कुछ हम लोग, एंड कैसे हम लोग एक्सेल में अपने एक्सटर्नल डेटा को इम्पोर्ट करेंगे. बेसिकली जब कंपनीज होते हैं तो उन लोग किस पे वर्क करते हैं, उन लोग डेटा पे वर्क करते हैं. डेटा कहाँ मिलेगा? या तो अगर एक्सेल फाइल में ही डेटा दिया हुआ है तो उसी को उन लोग एडिट करेंगे, फाइन. पर अगर मुझे डेटा मेरे टेक्स्ट फाइल में दिया हुआ है तो उसे कैसे इम्पोर्ट करेंगे एक्सेल में? अगर मेरा डेटा मेरे वेब पे है, मेरे ड्राइव पे है, सपोज़ मुझे इंटरनेट से चाहिए, तो वो हम लोग कैसे इम्पोर्ट करेंगे? वो सारा कुछ हम लोग डेटा टैब में करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली एट दी एंड हम लोग को डेटा से वर्क करना है. वो डेटा मेरे कहाँ पे स्टोर्ड है उसके एक्सेल में कैसे इम्पोर्ट करें, दैट इज़ इम्पोर्टेंट. ठीक है, रिव्यू टैब. रिव्यू टैब में क्या हो गया? एकदम नॉर्मल कमेंट ऐड करना, वो हम लोग सीखेंगे, अभी इसका इतना ज़रूरत नहीं है. व्यू टैब में क्या हो गया? अब सपोज़ मेरे बहुत सारे वर्कशीट्स में ग्रिड लाइंस, ये होते हैं ग्रिड लाइंस होते हैं, ये ग्रिड लाइंस नहीं है, तो हम लोग उसको हटा कैसे सकते हैं? देखना, व्यू टैब में एक ग्रिड लाइंस का ऑप्शन है, इसको अनटिक करो, इसको अनटिक कर दो तो देखो ग्रिड लाइंस हट जाएंगे. ग्रिड लाइंस हटने का ये मतलब नहीं है कि वो बॉक्सेस हट गए, बॉक्सेस अभी भी हैं, जस्ट दैट कि वो लाइन्स हट गए. ठीक है, तो ग्रिड लाइन्स अभी ले आते हैं वापस. सो दीज आर द सेवन मेन इम्पॉर्टेंट टैब्स जो हमारे एक्सेल में और भी है, बट दैट इज़ आउट ऑफ सिलेबस. ठीक है, अभी उसका ज़रूरत नहीं है. ये मेरा क्या हो गया? स्प्रेडशीट वाला पोर्शन हो गया, जहाँ पे सारे हम लोग अपना सारा वर्क हम लोग यहाँ पे करेंगे. ठीक है, जितना डेटा इंपोर्ट करना है, जितना एनालिसिस करना है, जितना कैलकुलेशंस करना है, सब यहाँ पे होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट इज़ द स्टेटस बार. दिस इज़ यहाँ पे अगर कुछ दिख रहा हो, ये वाला पोर्शन, ये स्टेटस बार होता है. ये हम लोग सीखेंगे अभी इसी क्लास में सीखेंगे कि क्या बेसिकली स्टेटस बार का यूज़ है. सो सेवन मेन एलिमेंट, फाइव मेन एलिमेंट्स ऑफ एक्सेल, एकदम बेसिक. ऑब्वियसली एग्जाम में पूछेगा नहीं कि फाइव एलिमेंट्स बताओ, ये सब क्वेश्चंस नहीं. जो बेसिक क्लास कर रहे हैं ना,
यही पूछा था शायद मेरे से लास्ट टाइम, कोई एक जन पूछा था मेरे से कि ये बेसिक क्लास का क्या मतलब है, क्या यूज़ है, क्योंकि अगर बेसिक क्लास ही नहीं करोगे तो तुम लोग आगे का क्लासेस नहीं कर पाओगे। बेसिक क्लासेस के ऑब्वियसली क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस, बट देन यू हैव टू लर्न एक्सेल बिफोर प्रोसीडिंग, ठीक है? तो बेसिक एकदम नेक्स्ट देखो, हाउ टू सेव योर डेटा, सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। बहुत जन ऐसा करते हैं, काम तो कर दिया, भूल से क्रॉस कर दिया, सेव नहीं किया, गया पूरा, ठीक है, वो रिकवर नहीं होता। तो हम लोग क्या करेंगे सेव करने के लिए, कंट्रोल प्रेस एस, शॉर्टकट, ठीक है, अपना वर्क करते जाओ। हर थोड़ी कहीं कहीं पे ऑटो सेव ऑन होता है अगर किसी के एक्सेल में, तो वो अपने आप होते रहेगा सेव, पर अगर ऑटो सेव ऑन नहीं है, टू बी ऑन अ सेफर साइड, कंट्रोल एस करते रहना एग्जाम के टाइम पे स्पेशली, ठीक है, ताकि तुम लोग का वर्क, तुम लोग ने जितना किया है वो एटलीस्ट लूज ना हो। कंट्रोल एस इज टू सेव। अब सपोज ये मेरा एक वर्कबुक है, एक्सेल बेसिक्स इसका नाम है, ठीक है, ये मेरा एक वर्कबुक है, ये मेरे इस फोल्डर में है, एक्चुएटर्स के फोल्डर में है। अब मुझे इसे डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो हम लोग एक ऑप्शन यूज़ करते हैं सेव एज का, सेव एज का ऑप्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पे आई कैन नेविगेट, यहाँ पे आई कैन नेविगेट कि मुझे कहाँ पे कौन से फोल्डर में अपना वर्क स्टोर करना है। आई कैन चेंज द नेम एंड आई कैन सेव, ठीक है, सेव एज का ऑप्शन। तुम लोग आज से जितना भी एक्सेल का वर्क करोगे, मेक अ फोल्डर डेस्कटॉप पे या फिर सी ड्राइव में, डी ड्राइव में एक फोल्डर बना लो, उसी में सारा अभी से लेके सारा वर्क करना, ताकि एग्जाम के पहले जब रिवाइज करो तब तुम लोग के लिए ईजी हो जाए, देखना, ठीक है, तब तुम लोग का खोना नहीं चाहिए। तो एक फोल्डर बना लो, उसी में अपना सारा वर्क करना। ये हो गया मेरा सेव एज का ऑप्शन। अब देखो, हम लोग ने देखा कि रिबन में 7 मेन टैब्स क्या होते हैं, होम टैब, रिव्यू, रिव्यू टैब, सॉरी। अब ऑब्वियसली सबको ये याद नहीं रखना होगा कि होम टैब के अंदर क्या क्या है, वो विथ टाइम तुम लोग को याद हो जाएगा कि कौन सा फीचर कौन से टैब में आते हैं। देर आर 2 to the power 20 रोज एंड 2 to the power 14 कॉलम्स, मतलब कि ये एक मेरा शीट है, ठीक है, ये एक मेरा नॉर्मल शीट है, यहाँ पे 2 to the power 20 रोज है, दीज आर द रोज, दीज आर द रोज एंड दीज आर द कॉलम्स, ऐसे कॉलम्स होते हैं एंड ऐसे रोज होते हैं। तो 2 to the power 20 रोज है एंड 2 to the power 14 कॉलम्स है ईच शीट। तो तुम लोग सोच सकते हो कि कितना अमाउंट ऑफ डेटा एक शीट में हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ऐसे वी कैन हैव मैनी अमाउंट ऑफ शीट्स। तो एक्सेल में इतना ह्यूज एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, अभी तुम लोग के लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट देन एक कंपनी के बारे में सोचो जिन्होंने पूरे कंट्री का, अगर गवर्नमेंट के बारे में सोचो, उन्होंने सेंसस कैलकुलेट करना है, ठीक है, सेंसस मतलब क्या, कितने लोग हैं इंडिया में, 1.35 बिलियन पीपल, उनका सेंसस कैसे कैलकुलेट होता है, सेंसस एज सब कुछ पूछते हैं ना, एज, जेंडर, इनफैक्ट स्कूल, ये सब सब कुछ पूछते हैं, कहाँ तक स्कूलिंग किया। तो वो सारा डेटा, वो डेटा एक्सेल में भी स्टोर नहीं हो सकता, उसको हम लोग बिग डेटा बोलते हैं। ऐसा डेटा जो इतना ह्यूज है कि उसे ऐसे हम लोग स्टोर कर ही नहीं सकते, तो वो सारी चीज़ को हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। ऑब्वियसली अभी नहीं सीखेंगे हम लोग, बट देन वो सारे डेटा ही हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इतना ह्यूज है। नेक्स्ट देखो, हम लोग ने सीखा कि कैसे हम न्यू वर्कशीट इन वन वर्कबुक क्रिएट करते हैं, कैसे करते हैं, सिंपली यहाँ पे प्लस साइन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करोगे, न्यू वर्कशीट अपने आप बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, हाउ टू रीनेम अ वर्कशीट, अगर तुम लोग यहाँ पे नोटिस करो, मेरे शीट्स ऑलरेडी रीनेम्ड है ना, शीट्स मेरे ऑलरेडी रीनेम्ड है, तो उससे हम लोग, सपोज मैंने एक नया शीट बनाया, इसे हम कैसे रीनेम करेंगे, बहुत ईजी है, इस पर डबल क्लिक करो, शीट वन पे सिंपली लेफ्ट डबल क्लिक करो एंड जो भी इसे नेम देना है, मैंने न्यू शीट दिया, टाइप करो एंड एंटर करो, ये मेरा शीट नेम रीनेम हो गया। प्लीज़
प्लीज़ मेक इट अ हैबिट टू रीनेम योर वर्कशीट. ठीक है, अभी हम लोग एक क्लास करें, तुम लोग एक वर्कबुक खोलो, शीट वन में अपना सारा वर्क करोगे तो वहाँ पे लिख देना फर्स्ट क्लास या फिर क्लास जो तुम लोग को फॉलो करना है, क्योंकि ये जो शीट रीनेम करने का हैबिट है ये फिर कैरी ऑन होते रहेगा. तो ये एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल है, व्हेन यू गो फॉर योर जॉब तभी भी हेल्पफुल है. ठीक है, तो शीट रीनेम करना, मेक इट अ हैबिट. ये बहुत अभी छोटा चीज़ लग रहा होगा, बट देन ये हैबिट सबका नहीं बनता जनरली. ठीक है, शीट रीनेम करना सीखे. अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मूव और कॉपी अ वर्कशीट. ये हम लोग कब यूज़ करेंगे तुम लोग को समझ में आएगा. बेसिकली क्या है, ये मेरा एक शीट है, इसमें मैंने कुछ यहाँ पे लिख रखा है, मुझे इसी शीट का एक और कॉपी चाहिए. तो हम लोग क्या करेंगे, दो ऑप्शंस होते हैं, या तो इसी शीट को मुझे मूव करना है, तो मूव तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो. ठीक है, जहाँ लेके जाना है वैसे तुम लोग ड्रैग कर सकते हो, इस पर क्लिक किया एंड ड्रैग कर दिया, सिंपली मूव करना. और एक और ऑप्शन है मूव का, शीट जहाँ यहाँ पे देखो एक बार सब लोग, इस पर राइट क्लिक किया शीट नेम पे, यहाँ पे एक मूव और कॉपी का ऑप्शन आया है, यहाँ पे देखना जहाँ पे भी तुम्हें शीट को मूव करना है, बिफोर शीट, सपोज मुझे ग्राफ्स वाले शीट के पहले इस शीट को मूव करना है, तो ग्राफ्स वाले पे क्लिक किया एंड ये वहाँ पे मूव हो जाएगा. ठीक है, एक और चीज़ क्या देख सकते हो, सपोज मुझे अभी इसी शीट का एक और कॉपी चाहिए, तो कॉपी कैसे करेंगे, सेम चीज़ राइट क्लिक, मूव और कॉपी, यहाँ पे क्रिएट अ कॉपी का ऑप्शन है, क्रिएट अ कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है सबको, उस पर टिक मार्क, उस पर चेक किया एंड देन ओके. तो मेरा यहाँ पे देखो बेसिक फीचर्स टू एक और शीट बन गया. ट्राई करो सब लोग ऐसे करने का, ट्राई करो. सब लोग ट्राई करो. ये जो मूव एंड कॉपी है बहुत यूज करेंगे हम लोग CT5 में. तो मन क्यों की हम देख, ठीक है, मूव और कॉपी हो गया सबका, बहुत सिंपल हो गया ना सबका. अब और बेसिक फीचर्स देखते हैं क्या क्या होते हैं. रैप टेक्स्ट, टेक्स्ट टू कॉलम्स, नेमिंग सेल्स, सारे बेसिक फीचर्स, एकदम एडिटिंग फीचर्स है ये, बहुत इजी, पता होना चाहिए बस. मे बी यूज़ नहीं भी आए पूरे CM1 में, ऐसा हो जाए कि तुम लोग कभी यूज़ ना करो, पर पता होना चाहिए सारी चीज़. ठीक है, रैप टेक्स्ट क्या हुआ, सपोज आई एम राइटिंग हेलो एक्चुएटर्स, ये मैंने एक सेल में टाइप किया. ठीक है, तो ये जो मैंने टाइप किया मेरे एक सेल में, दिखना एक सेल से बाहर निकल रहे इस सेल से, सो आई वॉन्ट टू एडजस्ट दिस इन वन सेल ओनली, ताकि बाहर नहीं निकले, सिंपली इस पर क्लिक किया और होम टैब रैप टेक्स्ट. देखो क्या हो जाएगा, मेरे सेल का लेंथ इंक्रीज हो जाएगा. अगर तुम लोग विथ बोल रहे हो तो विथ इंक्रीज हो जाएगा एंड वो मेरे पूरे एक सेल में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा. होम टैब रैप टेक्स्ट करो सब लोग ट्राई. बहुत ही सिंपल फीचर, हुआ हुआ सबका. एक और कॉन्सेप्ट देखो, अब सेम चीज आई एम टाइपिंग वापस एक बार, क्या हुआ, तो एक काम करो, एंटर करो एंड वापस उस पे जाओ, फिर आ जाएगा. आया अभी सबका. अब देखो यहाँ पे मैंने टाइप किया हेलो एक्चुएटर्स, मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों सेल के बीच में चाहिए, तो सिंपली क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, दोनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है होम टैब में, उस पर क्लिक करो एंड देखो क्या हो जाएगा, दोनों सेल्स
मर्ज हो जाएंगे एंड जो भी मैंने उसमें टाइप किया वो बीच में आ जाएगा, मर्ज एंड सेंटर, ठीक है, एकदम बेसिक करो. हो गया, सबका हो गया, सबका. अब देखो, दीज आर द रोज. रोज को कैसे रेम किया हुआ है? नंबर से. प्लीज रोज एंड कॉलम्स में मत कंफ्यूज होना. रोज ऐसा होता है, कॉलम्स ऐसा होते हैं, ठीक है. तो ये रोज हो गए हमारे. रोज कैसे नेम किए हुए हैं? 1, 2, 3 न्यूमेरिकली. एंड कॉलम्स कैसे नेम किए हुए हैं? अल्फाबेटिकली, वाई बी सी. एंड जेड के बाद देखना, जब तुम वो जेड के बाद जाओगे, ए ए ए बी वापस पूरा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. तो ये जो मेरा, ये दिस इज अ सिंपल नेमिंग कन्वेंशन जो एक्सेल फॉलो करते हैं. रोज को कैसे नेम करते हैं? नंबर से. एंड कॉलम्स को कैसे नेम करते हैं? अल्फाबेट से. अब यहाँ पे अगर तुम लोग नोटिस करोगे, मैंने एक चीज़ मिस कर दिया था. दिस इज़ द नेम बॉक्स, दिस इज़ द नेम बॉक्स. कहीं पे भी सेल के कर्सर को रखो, देखना यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा, I5. मेरा में I5 आ रहा है. मे बी दैट विल डिपेंड तुम लोग का कर्सर कहाँ है. सो दिस इज़ द नेम बॉक्स. नेम बॉक्स मतलब सेल का नेम. हर एक सेल का, मेरे एक्सेल में हर एक सेल का एक नेम है, ठीक है. अब तुम लोग बोलोगे I5 तो यहाँ पे भी है, इस वाले शीट में भी I5 है. क्या डिफरेंस हुआ? डिफरेंस हुआ ये बेसिक फीचर्स शीट का I5 है एंड वो शॉर्टकट्स शीट का I5 है. ये हम लोग अभी और क्लियर हो जाएगा जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे. सो बेसिकली यहाँ पे ये मेरा नेम बॉक्स है. यहाँ पे मेरा सेल का नेम आता है. सेल का नेम कैसे आता है? पहले कॉलम नेम आते हैं एंड फिर रो नेम. पहले कॉलम नेम जी, फिर रो नेम 6, G6. दिस इज़ माई सेल्स नेम. हर एक सेल का एक नाम है, ठीक है. अब सपोज तुम्हें बोलना है कि मुझे इस सेल को कुछ और ही रीनेम करना है, ठीक है. सपोज इफ आई राइट माई नेम शिवांगी, मुझे इस सेल को रीनेम करना है और मुझे इसका नेम चाहिए G6, नहीं नेम, NAME. मुझे ये रीनेम करना है अपने इस सेल को. तो दो तरीके हैं. सबसे इजी वाला वे समझो, यहाँ पे G6 है ना, इस पर सिंपली डबल क्लिक किया, सिंपली डबल क्लिक किया, जो भी नेम चाहिए उसे टाइप किया एंड एंटर. तो अब इस सेल का नेम क्या आ रहा है? देखो, नेम जो भी रीनेम कर दोगे वो यहाँ पे सेल का नेम. अब मतलब मेरे सेल का G6 सेल का नेम क्या हो गया? नेम, जो मैंने किया है. करके देखो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब हम लोग CT5 पढ़ेंगे. एंड CT1 में भी इम्पॉर्टेंट है. हम लोग जनरली रीनेम कर देते हैं. क्यों रीनेम करते हैं अभी हम लोग समझेंगे. करो ट्राई सब लोग, कैसे रीनेम होता है. हो गया सबका? तो अब समझते हैं कि रीनेम करने का क्या बेनिफिट है. अब सपोज इस सेल को तो मैंने रीनेम कर दिया नेम. एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक वर्कबुक में एक नाम का सिर्फ एक ही सेल हो सकता है. इसका क्या मतलब है? कि अगर इस सेल को मैंने नेम रीनेम किया है एंड अगर मैं दूसरे शीट में जाऊँ एंड वहाँ पे इफ़ आई ट्राई टू रीनेम दिस पर्टिकुलर सेल एज नेम, तो देखना क्या होगा, वापस मेरे इस शीट में आ गया. एज इन एक पर्टिकुलर नेम से एक पर्टिकुलर वर्कबुक, ये मेरा वर्कबुक है ना, विच कम्प्राइजेस ऑफ डिफरेंट वर्कशीट्स, तो एक वर्कबुक में एक नाम ही इन लोग एक्सेप्ट करेंगे. एक से ज़्यादा, मतलब अगर तुम लोग चाहोगे कि दूसरे वर्कशीट में भी हम लोग सेम नेम यूज़ कर सकें तो वो चीज़ नहीं होगा. क्लियर? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? एक और कॉन्सेप्ट कि हम लोग रीनेम, नहीं, हाँ मैटर करते हैं, ठीक है. हाँ, एक्सेल इज़ केस सेंसिटिव, ठीक है. पर फंक्शंस में नहीं है, वो हम लोग सीखेंगे. व्हेन वी डू फंक्शंस, सम फंक्शन उसमें इट इज़ नॉट केस सेंसिटिव, ठीक
ठीक है, उस समय इट इज़ नॉट के, वो हम लोग अभी जब इसी क्लास में सीखेंगे, इट इज़ नॉट के सेंसिटिव फंक्शंस के लिए. तुम कैप्स लॉक में भी टाइप कर सकते हो, विदाउट कैप्स लॉक भी टाइप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट और समझना. मैंने क्या बोला, नेम फंक्शन, नेम जो मेरा सेल है वो एक वर्कबुक में एक ही बार मैंने यूज़ किया, इससे ज़्यादा आई कांट यूज़. अब इसका एक और यूज़ क्या हो सकता है, सपोज हम लोग गए एक शीट में एंड यहाँ पे मुझे इस शीट में वो जो नेम वाला सेल मैंने रीनेम किया था, उसका आउटपुट क्या था, बेसिकली उस सेल में क्या टाइप किया मैंने, अपना नेम टाइप किया था, तो वो मुझे यहाँ पे चाहिए. तो क्या करेंगे, सिंपली इक्वल टू नेम. नेम इज़ व्हाट, नेम इज़ द सेल का नेम जो मैंने रीनेम किया है ना, यही किया है मैंने. तुम लोग ने अगर कुछ और किया है तो वही टाइप करना, एंटर. तो देखो क्या आउटपुट आ जाएगा, जो मेरे सेल का आउटपुट है वो यहाँ पे आ जाएगा. कोई भी वर्कशीट में, इस सेम वर्कशीट में भी तुम लोग करते तो ये सेम चीज़ आता. ट्राई करो, इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्यों, बिकॉज हम लोग CT1 में जब इंटरेस्ट ले लेते हैं तो हम लोग उसको आई रीनेम कर देते हैं, ताकि फ्यूचर में उसको हम लोग बार बार यूज़ कर पाए. ठीक है, एंड इसका और भी है, रेफरेंसिंग से सीखेंगे सब धीरे धीरे. हो गया सबका, हो गया समझ में आया रीनेम क्यों करते हैं. अब एक और तरीका रीनेम करने का, ये सबसे सिंपल है, एक और तरीका समझ लो. फॉर्मूला टैब में आओ, फॉर्मूला टैब, यहाँ पे नेम मैनेजर दिख रहे क्या सबको, नेम मैनेजर ओपन करो. अब ये देखो, तुम लोग के में भी सिर्फ एक ही होगा जो तुम लोग ने अभी रीनेम किया है, मेरे में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है सारे पहले के, तो उसे डिलीट कर देते हैं, रहने दो अभी के लिए. तो दीज आर द डिफरेंट, जब तुम लोग नेम मैनेजर ऑन ओपन करते हो तो ये जो विंडो आता है, यहाँ पे जितने भी सारे सेल्स रीनेम किए हुए हैं पूरे वर्कबुक में, वर्कशीट में नहीं, पूरे वर्कबुक में जितने भी सारे सेल्स तुम लोग ने रीनेम किए, क्या रीनेम किया उसे, वो यहाँ पे आ जाते हैं. समझो, देखो दिख रहा है ना सबको, ये यहाँ पे नेम है जो मैंने रीनेम किया है, यहाँ पे उसका शीट नेम दिया हुआ है, बेसिक फीचर्स, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड उसका सेल नेम. तो ये कहाँ पे रेफर करते हैं यानी कौन सा वर्कशीट है, तो पूरा ये मेरा रेफरेंस मुझे यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, यहाँ से भी तुम लोग ऐड कर सकते हो. सपोज मुझे मुझे इस सेल को अब दूसरा नेम देना है, सिंपली न्यू पे क्लिक किया, दिस इज़ द नेम सपोज, या फिर कुछ और नेम देना है, कौन से सेल को देना है एंड ओके. ठीक है, डेमो टू एंड कौन से सेल को देना ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ओके. तो एक नया नेम आ जाएगा. नेम को डिलीट करने के लिए सिंपली इस पर क्लिक किया एंड डिलीट. ठीक है, एकदम बेसिक, कर लो ट्राई. फॉर्मूला टैब, नेम मैनेजर. कर लो ट्राई, फॉर्मूला टैब, नेम मैनेजर. वहाँ से तुम लोग न्यू सेल को रीनेम कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो. ठीक है, पर एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा. एग्ज़ाम में जो हम लोग ने फर्स्ट तरीका ट्राई किया रीनेम करने का, वही फॉलो करेंगे. ठीक है, यहाँ तक हो गया सबका. अब एक और कॉन्सेप्ट समझो, टेक्स्ट टू कॉलम्स. ये मे बी तुम लोगों को कभी यूज़ ना आए CM1 में, बट स्टिल टेक्स्ट टू कॉलम्स का क्या मतलब है. बेसिकली सपोज मेरे पास एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, वर्ड डॉक्यूमेंट सबको पता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है. टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है, नोटपैड के जैसा. ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे वी कैन टाइप. मेरा एक डेटा इनपुट किया हुआ है इधर, एंड ये डेटा कैसे दिया हुआ है, नेम, एज, जेंडर, दिस इज कॉमा सेपरेटेड. सब लोग को दिख रहा है कॉमाज है बीच में, तो स्पेस नहीं डाला है मैंने, कॉमाज डाले हैं. अब मुझे ये वाला डेटा एक्सेल में इम्पोर्ट करना है, तो सबसे ईजीएस्ट वे क्या है वो देखो. सिंपली पूरे डेटा को सिलेक्ट किया, ठीक है, कंट्रोल सी या फिर कॉपी, एक्सेल में हम गए, एक पर्टिकुलर सेल पे क्लिक किया. सपोज मुझे यहाँ पे मेरा डेटा चाहिए पूरा, इस सेल से स्टार्ट होना चाहिए, इसे सिलेक्ट किया,
कंट्रोल वी या फिर पेस्ट, ठीक है, कंट्रोल वी या फिर पेस्ट, एंड मेरा डेटा पेस्ट हो गया। पर ये जो मेरा डेटा पेस्ट हुआ है, क्या तुम्हें देख के सही लग रहा है? नेम, एज, जेंडर शुड कम इन डिफरेंट कॉलम्स, बट ये क्या हुआ है, ये हर एक सेल, रिस्पेक्टिव सेल में उसका सारा डेटा मेरा फीड हो गया है। तो क्या करेंगे इसे बेटर करने के लिए, पूरे सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, एक बार देख लो आराम से फिर करना, पूरे सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, डेटा टैब में जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम्स का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ देखना, ये डीलिमिटेड और फिक्स्ड विड्थ है। जनरली डीलिमिटेड मतलब डीलिमिटर्स कैसे अपने डेटा को सेपरेट कर रहे हो, टैब से, कॉमा से, कोलन से, किससे सेपरेट कर रहे हो, दीज आर कॉल्ड द डीलिमिटर्स। तो मैंने डीलिमिटेड पे क्लिक किया, ठीक है, नेक्स्ट किया, यहाँ पे देखो दीज आर द डीलिमिटर्स, मैंने कौन सा डीलिमिटर यूज़ किया है, कॉमा पे क्लिक किया, तो ये मेरा रिव्यू तैयार है क्या, अभी तीन सेपरेट कॉलम्स आ गए, बस अब इसे नेक्स्ट करके फिनिश, अभी सही बन गया मेरा डेटा। तो मुझे क्या करना था पेस्ट करने के लिए, सिंपली एक सेल पे क्लिक करके पेस्ट करना था, मुझे पूरा सेल्स नहीं सिलेक्ट करना पड़ा, सिंपली एक सेल पे जाओ एंड कंट्रोल वी या फिर पेस्ट करो, मेरा डेटा पेस्ट हो जाएगा, एंड उसे जैसे सेपरेट करना है वैसे हम सिंपली सेपरेट कर सकते हैं टेक्स्ट टू कॉलम्स यूज़ करके। एक और, अगर किसी को डेटा देख के कुछ लग रहा हो अजीब सा, कि कैसा अजीब लग रहा है, सारे जो टेक्स्ट नेम्स, टेक्स्ट स्ट्रिंग्स है वो लेफ्ट अलाइंड है, और सारे जो नंबर्स है वो राइट अलाइंड है। दिस इज़ द जनरल एंड द बेसिक फीचर ऑफ एक्सेल। सारे टेक्स्ट स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स का मतलब है बेसिकली एक वर्ड, ठीक है, हम लोग वर्ड नहीं बोल के स्ट्रिंग्स इसीलिए बोलते हैं, स्ट्रिंग्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट्स, या फिर डिफरेंट कोलन्स एंड ऑल, तो उसको हम लोग एक स्ट्रिंग बोलते हैं बेसिकली, एक वर्ड को। तो कैरेक्टर स्ट्रिंग अगर है तो लेफ्ट अलाइन हो जाते हैं, एंड नंबर्स हो जाते हैं राइट अलाइन। दिस इज़ अ बेसिक, एकदम बेसिक फीचर है बस एक्सेल का, ठीक है, वो एक्सेल ने बनाया है खुद से। करो तुम लोग एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाओ, इतना मत टाइप करना, बस दो तीन, एक दो लाइन टाइप कर लो, कॉमा सेपरेटेड या फिर टैब सेपरेटेड, एंड टेक्स्ट टू कॉलम यूज़ करो, एंड ये ट्राई करो करने का, सब लोग ट्राई करो। डेटा टैब में है, कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ लेना मुझसे, एसी का हवा आ रहा है, डायरेक्ट आगे बैठ जाओ, या आगे या फिर पीछे, जहां पे भी मतलब एसी कहाँ, आगे आ जाओ। तो मतलब अभी जब तुम लोग धीरे धीरे आओगे तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन से स्पॉट पे बैठने से एसी का डायरेक्ट हवा आता है, तो वो फिर अवॉइड करोगे, फिर जो एंड में आएगा वो वहां बैठेगा। और कोई कोई होते हैं जिन्हें बहुत मतलब गर्मी लगती है, तो वो वहां जाके बैठ सकते हैं फिर। आज सोच के लग रहा होगा कि कितना इजी है एक्सेल, ईजी है नो डाउट, बट देन उन्हीं लोगों के लिए ईजी जिन लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे, एंड ट्रस्ट मी सीरियसली, अगर तुम लोग डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करते हो ना एक्सेल, तुम लोग को एक्सेल बहुत ईजी लगेगा, बस 1 घंटा प्रैक्टिस करना है डेली, 1 आवर। अभी जब हम लोग का मॉक टेस्ट कंडक्ट हुआ था 1 आवर 45 मिनट्स का, एक लड़की शी कंप्लीटेड इन 1 आवर ओनली, 1 आवर 15 मिनट्स आई थिंक, जबकि एक्सेल मैंने पेपर खुद ही बनाया था, थोड़ा लेंदी बनाया था, बट शी कम्प्लीटेड इन 1 आवर 10 15 मिनट्स। तो शी यूज़ टू प्रैक्टिस डेली, तो अगर हम लोग डेली प्रैक्टिस करोगे तभी तुम लोग का स्पीड इंक्रीज होगा, एंड स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्सेल का एग्जाम। कॉन्सेप्ट आते हैं सब आते हैं, पर अगर टाइम ही नहीं तो कहाँ से करोगे। तो स्पीड इज़ द फर्स्ट, लाइक स्पीड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन CM1 एग्जाम, थ्योरी भी एंड एक्सेल भी। एक्सेल में ज़्यादा मैटर करता है, हर प्रैक्टिकल पेपर में स्पीड सबसे ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज सिर्फ 1 आवर 45 मिनट्स में 100 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं।
ठीक है, ये सबका हो गया टेक्स्ट टू कॉलम्स, सबका हो गया पक्का से। नेक्स्ट देखो हम लोग कैसे, अच्छा जो मैंने एक सेल को रीनेम किया ना, हम लोग एक से ज़्यादा सेल भी रीनेम कर सकते हैं, ये हम लोग अभी सीखेंगे। मुझे बस याद दिलाना कि ये मुझे सिखाना है। अब देखो फ्रीज पेन कैसे हम लोग अपने, सपोज इफ़ आई एम सिंपली ड्रैगिंग दिस डाउन, तो मेरा जो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट जो मेरा रो था वो गायब हो गया। मुझे क्या करना है, मुझे ये फर्स्ट रो को कांस्टेंट रखना है, फिक्स करना है, ताकि मैं जब नीचे ड्रैग करूँ तो ये मेरा हमेशा रहे ऊपर। क्योंकि क्या होगा ना, मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं कौन सी शीट में हूँ। सो व्हाट आई विल डू इज सिंपली, क्या क्या जानना है कैसे फिक्स करते हैं पेन? हाँ ऊपर, हाँ तो वही देखो, तो मुझे यहाँ पे इस वाले पूरे रो को फिक्स करना है। तो हम लोग इसे कैसे फिक्स करेंगे, सेकेंड रो पे क्लिक किया, सेकेंड रो पे यहाँ पे कर्सर लाना एंड क्लिक करना, तो वो पूरा रो सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, पूरा रो सिलेक्ट करना, व्यू टैब में जाना, फ्रीज पेन्स का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे देखना फ्रीज पेन क्या हुआ। यहाँ पे अगर दिख रहा हो तुम्हें एक ब्लैक लाइन आ गया है। सो नाउ इफ आई ड्रैग डाउन, मेरा फर्स्ट रो नहीं हटेगा। एक से ज़्यादा रोज़ या एक से ज़्यादा कॉलम्स भी हम फ्रीज कर सकते हैं। कैसे करेंगे देख लो प्लीज़ सब लोग यहाँ पे फिर करना। पहले तो अनफ्रीज कर देते हैं। अब सपोज मुझे फर्स्ट थ्री ए बी सी, ये तीनों कॉलम्स फ्रीज करने हैं, तो कौन से मुझे कॉलम में क्लिक करना पड़ेगा? डी वाले में। क्यों? बिकॉज मैंने क्या देखा, जब टू पे मैंने क्लिक किया तो फर्स्ट कॉलम तक फ्रीज हुआ, फर्स्ट रो तक फ्रीज हुआ, तो डी पे करेंगे क्लिक तो सी तक फ्रीज होगा, एक पहले या एक ऊपर उस वो फ्रीज हो जाते हैं। तो डी पे मैंने क्लिक किया फ्रीज पेन्स, तो देखो यहाँ पे एक लाइन बन गया। नाउ इफ यू ड्रैग, तो ये सी वाला हमेशा रहेगा। ये कॉन्सेप्ट कब यूज़ होता है? जब मुझे, मेरे पास बड़े बड़े टेबल्स हैं एंड मुझे उसके कॉलम हेडिंग्स को फ्रीज करना है, तो हम लोग वो रो को फ्रीज कर देते हैं, ताकि व्हेन यू ड्रैग डाउन तब तुम्हें पता रहे कि कौन सा कॉलम रेफर्स टू व्हाट। ठीक है, करो ट्राई सब लोग, अनफ्रीज कर देते हैं अभी के लिए। किसमें? हाँ होते हैं गूगल शीट्स में सारा फीचर्स जो एक्सेल में है, कुछ कुछ नहीं होते उसमें बट ऑलमोस्ट सारे होते हैं। ठीक है, तुम गूगल शीट में कर रहे हो? हाँ नहीं वो हो जाएगा उसमें। नहीं, तुम सोचो बहुत एक्सेल ही कंफ्यूज हो जाएगा। नीचे ड्रैग, तुम फर्स्ट रो तुमने कर दिया और यहाँ कर दिया, तो अभी वो बेचारा नीचे भी नहीं जा पाएगा, ऊपर राइट भी नहीं जा पाएगा, वो चीज़ इसीलिए ऑप्शन ही नहीं है वैसा। ठीक है, तो ये चीज़ है, नेक्स्ट देखते हैं। ये सबका हो गया ना, एक और चीज़ बस बेसिक एकदम सीख लो। सपोज नेम एंड एज के बीच में मुझे एक और कॉलम इंसर्ट करना है, लेट्स से सपोज सब्जेक्ट का। ठीक है, तो हम अब कैसे करें इंसर्ट बिना अपने डेटा को हैम्पर किए, बिना कुछ एक्स्ट्रा वर्क किए? मुझे नेम एंड एज के बीच में चाहिए एक कॉलम, सिंपली जे, मेरे को आई और जे के बीच में चाहिए मुझे। तो हम लोग जे वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड इंसर्ट, यहाँ पे देखना एक कॉलम बन जाएगा। सिमिलरली फॉर रोज, रोज में अगर मुझे 8 और 9 के बीच में इंसर्ट करना है तो कौन सा सिलेक्ट करना पड़ेगा बोलो? 9, 9 सिलेक्ट करोगे तो ऊपर में एक रो अपने आप इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर क्लियर? एक से ज़्यादा रोज, एक से ज़्यादा कॉलम्स भी इंसर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, एनी आइडिया? कुछ भी? हाँ साथ में किसको सिलेक्ट करेंगे? हाँ दो तीन रोज। अगर मुझे इसको हटा देते, बहुत क्लमजी लग रहा है, तो अगर मुझे नेम और एज के बीच में दो कॉलम इंसर्ट करने हैं, एक से ज़्यादा कॉलम इंसर्ट करने हैं, तो सिंपली क्या करेंगे, एक से ज़्यादा जितना भी कॉलम इंसर्ट करने हैं, दो कॉलम इंसर्ट करने हैं
तो दो कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, जे और के को, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक किया, घबराना मत, एग्जाम में कंट्रोल जेड का ऑप्शन होता है, ठीक है, ये रीडू का ऑप्शन होता है, इंसर्ट। तो यहाँ पे ये दो कॉलम्स इंसर्ट हो गए। एक से ज़्यादा कॉलम या एक से ज़्यादा रो इंसर्ट करना है तो उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स या उतने ही नंबर ऑफ रोज सिलेक्ट करने होंगे। ये हंस क्यों रहे आप? विकास जी भी सीख रहे थे मतलब मेरे से ये वाला चीज़ एक दिन, तो इसलिए वो हंस रहे हैं। तब से वो भी जो मतलब करेंगे एक्सेल का क्लास हम लोग का, ठीक है, क्लियर हुआ सबको? ये चीज़ कब यूज़ होता है? जब हम लोग CT5 में टेबल्स बनाते हैं एंड भूल जाते हो कि बीच में एक और कॉलम बनाना था, तब ये चीज़ काम आते हैं बीच में इंसर्ट करने का, ठीक है। ये हो गया एक और छोटा टॉपिक, फिर थोड़ा ब्रेक लेंगे। बेसिक शॉर्टकट्स, अगर किसी को लिखना है लिख सकते हो, वरना ये PPT मिल जाएगा, ठीक है, पर लिखना है तो लिख लो, अगर कोई जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं लिख लो, ठीक है, मत बनो अच्छे। उसके बाद इफ़ यू वॉन्ट टू, ओके, सो दिस इज़ एक मेरा, मैंने डेटा निकाला था, ये डेटा है डेमोग्राफिक डेटा, बेसिकली कंट्री नेम्स है, डिफरेंट कंट्रीज़ है, उनका कंट्री कोड है, उनका बर्थ रेट है, बर्थ रेट मतलब कि पर 100 कितना हो रहा है, बर्थ रेट है, ऑब्वियसली इंडिया बहुत हाई होगा यहाँ पे, देख लेना। उसके बाद इंटरनेट यूज़र्स, इंटरनेट यूज़र्स ही पर 100, एक्चुअली इंटरनेट यूज़र्स और बर्थ रेट में उल्टा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, अगर बर्थ रेट हाई है वो सारी कंट्रीज़ में इंटरनेट यूज़र्स कम होंगे, वैसा होता है, ठीक है, बिकॉज मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ वहाँ पे बर्थ रेट कम होते हैं, वहाँ पे इंटरनेट यूज़र्स ऑब्वियसली ज़्यादा है, ठीक है, इंटरनेट में लगे हुए पूरा टाइम। उसके बाद इनकम ग्रुप, हाई इनकम, लो इनकम, मिड, लो मिडिल, अपर मिडिल, ठीक है। तो ये मैंने डेटा निकाला है, तो इसके बाद सपोज़ इस डेटा को यूज़ करके मैंने अपना शॉर्टकट्स मुझे यूज़ करना है, ये मेरा एक डेटा है, एक टेबल है बेसिकली, इसे मुझे नेविगेट करना है, तो कैसे? सिंपल वे में ड्रैग करना इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, अप एरो डाउन एरो यूज़ करना इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, सिंपली मुझे इस वाले कॉलम के एकदम लास्ट वाले सेल में जाना है, तो कौन सा की प्रेस करेंगे? कंट्रोल प्लस डाउन एरो, कंट्रोल प्लस डाउन एरो क्लिक करो एंड देखो पूरे, अगर तुम लोग का एक ब्लैंक वर्कशीट है वहाँ पे कंट्रोल प्लस डाउन करोगे तो एकदम नीचे पहुँच जाएगा, एकदम लास्ट तक पहुँच जाएगा, ट्राई करो, वापस यहाँ पे भी मैं करूँगी तो मैं लास्ट तक ही पहुँचेगा, ठीक है, कंट्रोल प्लस डाउन, कंट्रोल प्लस अप। अब एक और शॉर्टकट, सेम चीज़ कंट्रोल प्लस राइट से भी है, कंट्रोल प्लस अप, कंट्रोल प्लस लेफ्ट, यू कैन नेविगेट योर टेबल, ठीक है, क्लियर हुआ? एक और चीज़, अगर मुझे ये वाला पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है तो ऐसे सिंपली यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करना एक ऑप्शन हो सकता है जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और एक ऑप्शन हो सकता है कंट्रोल शिफ्ट डाउन आरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन आरो, तुम लोग जब यूज़ करोगे अपने ब्लैंक वर्कबुक में, वर्कशीट में, तो वो पूरा कॉलम या पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, राइट एरो, जो हम लोग करना है यहाँ से राइट एरो करेंगे तो मेरा पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया, ठीक है, सिंपल। एक और शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ए, सो एक बार देख लो यहाँ पे, अगर मुझे मुझे पूरे टेबल को एक बार में सिलेक्ट करना है तो फर्स्ट वाले सेल में गए मेरे पूरे टेबल, ये मेरा टेबल है ना, इस टेबल के फर्स्ट वाले सेल में गए, कंट्रोल प्लस ए किया तो मेरा पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया। तुम लोग का ब्लैंक वर्कबुक है तो अगर तुम लोग यहाँ पे देखो, ये मेरा ब्लैंक सेल है, इसमें इफ आई प्रेस कंट्रोल ए तो मेरा ये वाला पूरा पोर्शन सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे इफ आई प्रेस कंट्रोल ए तो पूरा वर्कबुक सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जनरली टेबल पूरा कॉपी करना होता है तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, फर्स्ट सेल में जाके कंट्रोल ए करते हैं, पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाता है। एंड दीज आर द शॉर्टकट्स विच इज़ यूज एवरीवेयर, वर्ड डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हो, कुछ भी यूज़ कर रहे हो तो ये सब शॉर्टकट्स वहाँ पे भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल डाउन आरो, शिफ्ट कंट्रोल डाउन आरो सीखा, कंट्रोल एक्स क्या हो गया? कट, एंड कंट्रोल वी पेस्ट, ट्राई कर लूँ, सपोज इससे
मैंने कंट्रोल एक्स किया, क्या हुआ ये कट कब होगा, जब यहाँ पे पेस्ट होगा। कंट्रोल वी करो ट्राई, कंट्रोल एक्स इज़ फॉर कट, कंट्रोल वी इज़ फॉर पेस्ट, कंट्रोल सी इज़ फॉर कॉपी, बेसिक शॉर्टकट्स। कंट्रोल जेड इज़ फॉर अंडू, कंट्रोल जेड इज़ फॉर अंडू, कुछ भी टाइप करो, डिलीट कर दो, कंट्रोल जेड करो, वापस आ जाएगा। तो एग्ज़ाम में घबराना मत, अगर भूल से डिलीट कर दिया तो कंट्रोल जेड अंडू, ठीक है, बेसिक शॉर्टकट्स। पेस्ट स्पेशल सीखेंगे, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू, कंट्रोल फाइव, देख के पता चल रहा है, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, स्ट्राइक, ये कभी यूज़ मत करना प्लीज़। इससे ट्राई करते हैं, कंट्रोल बी क्या हो गया, बोल्ड, ये जो बोल्ड हुआ, होम टैब में जाना, देखना ये फॉन्ट में मेरा सारा ऑप्शंस है, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, तो ये बोल्ड अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वापस इसको हटाने के लिए कंट्रोल बी, हट गया, ठीक है, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी है, कंट्रोल आई से इटैलिक्स हो गया, कंट्रोल यू से अंडरलाइन, कंट्रोल क्या था दूसरा, फाइव, स्ट्राइक। प्लीज़ ये कभी यूज़ मत कर लेना एग्ज़ाम में, अगर कुछ गलत हो रहे तो वो तो हम लोग डिलीट कर सकते हैं, सिर्फ स्ट्राइक वाइक मत यूज़ करना, ठीक है, बेसिक एकदम। कंट्रोल शिफ्ट प्लस कोलन, ये कोलन साइन कहाँ होता है, एंटर की के एक की छोड़ के, कोलन, ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट कोलन, दिस इज़ फॉर एंटरिंग द करेंट टाइम। तो कोई भी एक ब्लैंक सेल में जाओ, कोई भी एक ब्लैंक सेल में जाओ, कंट्रोल शिफ्ट कोलन, देखो करेंट टाइम आ गया, 12:05, 12:07 हो रहा है अभी, आया सबका, कंट्रोल शिफ्ट कोलन, करंट टाइम, कंट्रोल एफ टी ओपन्स, एफ थ्री ओपन्स द फॉर्मूला विंडो, ये हम लोग करेंगे अभी। ये कंट्रोल ए से सारे कंटेंट सिलेक्ट हो गए, कंट्रोल शिफ्ट डॉलर, कंट्रोल शिफ्ट हैश, कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज, इनसे क्या होता है, मेरा जो डेटा है वो फॉर्मेट हो जाता है करेंसी में, डेट में, या फिर परसेंटेज में, समझते हैं। देखो मैंने एक नंबर टाइप किया 78, इसे मुझे करेंसी में चेंज करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट डॉलर, मेरे यहाँ पे रुपी का सिंबल आ रहा है, तुम लोग के मे बी डॉलर का सिंबल जाए, वो कैसा सेटअप किया हुआ रहता है एक्सेल का उस पर डिपेंड करते हैं, कस्टम क्या रहता, नंबर के बाद आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखना एक बार होम टैब में जाके, यहाँ पे नंबर में करेंसी लिखा हुआ आ रहा है क्या, जब इस सेल पे हो कि कुछ और आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, नहीं कुछ तो लिखा आएगा, हाँ जेन जनरल आ रहा है, सबका जनरल आ रहा है, करेंसी आ रहा है ना, करेंसी आना चाहिए। एक बार वापस से करूं, जनरल नहीं आना चाहिए, करेंसी आना चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट डॉलर, ठीक है मैं देख रही हूँ, तुम्हारा आया अभी, ठीक है, तो सब मे बी तुम लोग का डॉलर आ रहा हो, मेरा रुपी का सिंबल आ रहा है, हाँ, ठीक है, ये हो गया। एक और क्या था, इसे मुझे किस में चेंज करना है, कंट्रोल शिफ्ट हैश, ये चेंज हो गया डेट में। अब एक बार ध्यान रखो कि हम लोग सीखेंगे भी, सारे एक्सेल में जो डेट्स है वो एज नंबर्स स्टोर होते हैं, तो फर्स्ट डेट वॉज 1 जनवरी 1900, दैट इज़ नंबर वन, 2 जनवरी 1900 विल बिकम नंबर टू, तो सो ऑन, ऐसे जो सारे डेट्स है वो नंबर्स में सेव कर रखे हैं। तो इफ़ आई टाइप एनी नंबर एंड इसे कंट्रोल शिफ्ट हैश में करते हैं चेंज, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, डेट, बिकॉज ईच नंबर, इसको हम लोग, तो मेरा मे बी इस फॉर्मेट में आ रहा हो 14 जैन 27, तुम लोग का डिफरेंट फॉर्मेट में भी आ सकता है,
एज इन इतना ज़्यादा शॉर्टकट का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट पता होना चाहिए कि ये सब शॉर्टकट्स है. ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स निकाली जो यूज़ आ सकते हैं. मे बी हम लोग डेट्स का तो यूज़ करेंगे ही ऑब्वियसली CT1 में, तब हम लोग को और समझ में आ जाएगा अच्छे से. पर बेसिकली ये पता होना चाहिए कि एक्सेल में जो सारी डेट्स है वो एज नंबर्स स्टोर होते हैं. तो जब नंबर को तुम लोग लिखते हो उसको डेट में हम लोग चेंज कर सकते हैं, बिकॉज दैट पर्टिकुलर नंबर रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर डेट. ठीक है, 1 जनवरी 1900 वॉज नंबर 1, तब से स्टार्ट हुआ था इनका. और एक क्या था, कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज, ये सिंपल है, 78 किया. अब इसको कंट्रोल शिफ्ट परसेंट करोगे ना तो 7800 बन जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली 78 इज़ अ नंबर, उसको परसेंटेज में चेंज करते कैसे, इनटू 100 करके ना. 0.78 इज 78%, 0.78 इज 78%, वैसे 78 इज 7800%. ठीक है, तीन बेसिक शॉर्टकट्स हो गए. सबका हो गया यहाँ तक. अब एक चीज़ ध्यान देना, ये जो मेरा सेल है H5, दिस इज़ द नेम बॉक्स एंड दिस इज़ द फॉर्मूला बार. ये जो मेरा FX लिखा हुआ है ना यहाँ पे, दिस इज़ द फॉर्मूला बार. तो जो भी हम लोग अपने सेल में टाइप करते हैं वो यहाँ पे आते हैं, सेल का आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं. तो हम लोग जब फंक्शंस टाइप करते हैं अपने एक्सेल में यहाँ पे, तो वो सारे फंक्शंस यहाँ पे शो करते हैं उस पर्टिकुलर एक्सेल, उस पर्टिकुलर सेल का, उस पर्टिकुलर सेल का आउटपुट यहाँ पे शो करेगा. देख लो, ठीक है, फॉर्मूला बार. अब इस फॉर्मूला बार को खोल, फॉर्मूला टैब को खोलने के लिए शॉर्टकट होता है Shift F3. करो सब लोग ट्राई, Shift F3. फंक्शन विंडो खुल जाएगा. आया Shift F3? नहीं, शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट F3 करो, सिर्फ F3 करो. आया, तो ये जो फॉर्मूला, जो मेरा फंक्शन का विंडो खुला है यहाँ पे, यहाँ इस जगह पे आई कैन टाइप माई फंक्शंस. जनरली यूज़ नहीं करते, डायरेक्टली हम लोग टाइप करते हैं, बस ये तुम लोगों को दिखाने के लिए कि फॉर्मूला फंक्शन का विंडो भी हम लोग खोल सकते हैं. एंड यहाँ पे वी कैन सर्च फॉर डिफरेंट फंक्शंस, उसको सर्च करके वो भी हम लोग डाल सकते हैं. सब सीखेंगे हम लोग अभी. ठीक है, क्लियर हुआ सबको बेसिक एकदम अभी तक? शॉर्टकट्स, डिफरेंट शॉर्टकट्स सीखे, पेस स्पेशल बच गया हमारा, जो भी हम लोग सीखेंगे सेल रेफरेंसिंग समझने के बाद.